सेकेंड नंबर में देखिए, पहला इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू में 2, और दूसरा इक्वेशन दिया है 4x माइनस वाई इक्वल टू में 8। चलिए देखते हैं क्या करके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, y को इधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू में, और इसको इधर ले जाएंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू में 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1 माइनस 2 यानी 0 आ जाएगा। पुट करते हैं x इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस का 2 यानी 2 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, x y, x का वैल्यू 1 पुट किए हैं तो y का 0 आया है, और x का 2 है तो y का 2 आया है, यही ना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखिए यहाँ पर y को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 8। पुट करते हैं x इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 2 माइनस का 8 यानी 0 आ जाएगा। पुट करते हैं x इक्वल टू में 3, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस का 8, 4 3 12, 12 में से 8 गया आपका 4 आ गया। चलिए हम लोग इसके लिए भी यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसका ग्राफ, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x y, हमने क्या किया है, x का 2 पुट किया है तो y का 0, और x का 3 पुट किया है तो y का 4, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यहाँ मैं ग्राफ पेपर एक ले लेते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब इसका ग्राफ। यहाँ पर हम ले लेते हैं ये x एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे है आपका x, यहाँ x डैश, y, और यहाँ पर हम लोग y डैश लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, एक्स का 1 है, वाई का 0 है, ये ना है जी, 1, 0, ठीक है। फिर एक्स का 2, वाई का 2, ये हो जाएगा 2, 2, ठीक है। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करें तो आपका कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से ही ना होगा जी, बिल्कुल इसी तरह से होगा, है ना जी। चलिए ये हो जाएगा, चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और इधर नीचे निकाल सकते हो इस तरह। चलिए देखिए, तो हम लोग इसका इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, इसका इक्वेशन क्या था जी, इसका इक्वेशन था 2x माइनस वाई इक्वल टू में 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 2, सॉरी 2x माइनस वाई इक्वल टू में 2। दूसरे वाले के लिए देखिए, यहाँ पर क्या क्या वैल्यू है, तो x का 2, y का 0, ठीक है, 2, 0, ठीक है। तो फिर आगे क्या है, आगे है x का 3, y का 4, x का 3 और y का 4, यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये ना होगा जी, बिल्कुल इसी तरह से होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, और इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू में 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू में एक्स, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या देख रहे हैं, आपका 3, 4 था, है ना जी। यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 और वाई का वैल्यू हो जाएगा आपका 4, और लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट एट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यही ना दो कोऑर्डिनेट हो रहे, एक तो 2, 0, ठीक है, और एक यहाँ पर हो जाएगा यहाँ 1, 0, यही ना हो जाएगा 1, 0 एंड 2, 0, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब